अभी मैं और हमारे माननीय सांसद जोशी जी, हम दोनों कन्हैया लाल जी के शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए आए हैं। उनकी धर्मपत्नी से, उनकी माता जी से, उनके दोनों बच्चों से, उनकी बहनों से, उनके भांजी, उन सबसे हम लोगों की अभी मुलाकात हुई है। मैं दो चीज बताना चाहता हूँ। पहली चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि कन्हैया लाल जी ने जो बलिदान दिया है, पूरा देश, पूरा हिंदू समाज कन्हैया लाल जी का ऋणी है, इनके परिवार का कर्जदार है। ये कर्ज समाज कभी उतार नहीं पाएगा। जिन जिहादियों ने ये नृशंस हत्याकांड किया है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि तुम हमें डरा नहीं सकते और तुम हमें हरा नहीं सकते। ये भारत की पुण्य भूमि है, यहाँ पे आतंक और जिहाद जब जब आया है तब तब उसकी पराजय हुई है। ऐसे साहसी सपूत कन्हैया लाल जी जैसे वीर इस भूमि में पैदा होते हैं। आप उन्हें छल से, धोखे से तो मार सकते हो, लेकिन आप इनके साहस और हिम्मत को नहीं तोड़ सकते। आप डरा नहीं सकते, आप हरा नहीं सकते। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक अपील की थी कन्हैया लाल जी के परिवार को, ना कमजोर पड़ना देंगे, ना अकेला पड़ने देंगे। पूरी दुनिया से लगभग 14,416 लोगों ने छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके कन्हैया लाल जी के परिवार के लिए इकट्ठा किया। हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था कन्हैया लाल जी के परिवार के लिए, जो ईश्वर जी घायल हैं उनके लिए। कुल मिला के लगभग 1,70,00,000 रुपए इकट्ठा हो चुका है। उसमें अभी भी कुछ लोग पैसा दे रहे हैं और बाहर से कुछ लोग सीधा भी बैंक में पैसा भेजेंगे। इस 1,70,00,000 रुपए में से हम लोग 1 करोड़ रुपए की मदद, सहायता, सहयोग, निवेदन कन्हैया लाल जी के परिवार के लिए कर रहे हैं। इसमें जो बैंक का लोन चल रहा है घर के लिए, होम लोन, इसको चुकाया जाएगा। साथ में जो बाकी अमाउंट है वो इनका जो बैंक अकाउंट है, मैंने अभी बैंक अकाउंट के डिटेल लिए हैं माता जी के, इनकी धर्मपत्नी के, कन्हैया लाल जी के, उस बैंक अकाउंट में वो पैसा जाएगा। इसके अलावा जो बेटे को कोचिंग करनी है पढ़ाई के लिए, उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। कानून की, वकील की कोई भी आवश्यकता होगी उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। तो कन्हैया लाल जी के परिवार को आर्थिक रूप से कम ये महसूस ना हो कि मेरे घर का कमाने वाला चला गया, धर्म के कारण बलिदान हो गया, अब कौन बचाएगा। वैसी कमी कन्हैया जी को तो वापस नहीं ला पाएंगे, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर नहीं पड़ने देंगे इस परिवार को। दूसरा, जो व्यक्ति ईश्वर जी है, जो कि चोटिल हुए, घायल हुए जिहादियों के द्वारा, उनको भी अभी हम लोग कोशिश करेंगे मिलने की। 25,00,000 रुपए की मदद उनको दी जाएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोले जी, उन्होंने भी ऐसा ही व्हाट्सएप स्टेटस डाला था, उनकी भी हत्या हुई है। 30,00,000 रुपए की मदद उमेश कोले जी के परिवार के लिए भी भेजी जाएगी। इसके अलावा एक राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल है, कांस्टेबल संदीप, जिनके गर्दन पे चाकू से वार किया गया भीड़ के द्वारा, जब ये सारा प्रक्रिया चल रहा था रोकने की कोशिश, पकड़ने की, राजसंबंध में, तो वो कांस्टेबल संदीप के परिवार को, उनको, संदीप जी को 5,00,000 रुपए उनको भी हम लोग देंगे, ऐसा हमने सोचा है। क्योंकि ड्यूटी पे रहते हुए भी वो घाव, अपना चाकू का घाव उनके ऊपर लगाए, और इसके बाद जो भी पैसा बचेगा वो सारा वापस बचा हुआ पैसा भी कन्हैया लाल जी के परिवार को ही देंगे। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, एक तो ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो कन्हैया लाल जी का परिवार हो या राजस्थान का साधारण नागरिक हो, आज तो कानून और व्यवस्था से थोड़ा भरोसा हिल चुका है।
ऐसा लग रहा है कि कोई भी घर पे आके मार जाए पुलिस के पता होते हुए भी, तो कैसे होगा? जानकारी में होते हुए भी जिस पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कन्हैया लाल जी को गिरफ्तार कर लिया था, वो पुलिस उन्हीं लोगों को सुरक्षा दे रही है जिनके ऊपर ऐसी आशंका है कि हत्या में शामिल है, तो सुरक्षा किसके लिए है? कैसे पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे से मालूम होते हुए 6 दिन दुकान बंद होते हुए हत्या करके कोई चला जाए, इसकी जिम्मेदारी कब सुनिश्चित की जाएगी? ये शोक संतप्त परिवार का आंगन है, ज्यादा इसमें कुछ कहने की बात नहीं बचती आज के दिन, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री का नाम अशोक है लेकिन ये कन्हैया जी के दरवाजे पे शोक है। ये सोचने की बात है, ये गहरी बात है, आपको सोचना होगा। ये छोटे छोटे बच्चों का विश्वास अगर टूट गया तो ये बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो बस कुल मिला के इतना ही मुझे कहना है, ये परिवार को और ऐसे किसी भी परिवार को ना कमजोर पड़ने देंगे ना अकेला पड़ने देंगे।